Dear student, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in UK and Kenya. हमारी बात हो रही थी कल्चर्स की हम बात कर रहे थे मल्टी कल्चर की और कहा तो ये जाता है कि ये यूके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वांट टू हार्वेस्ट द कल्चर रिसोर्सेज ऑफ दिनियन एंड कैनियन सेटिंग इन दर्डर टू एनहांस देर करिकुल इंटरनेशनल अवॉर्ड देखिए हमने कल्चर पैराडाइम्स की जब बात की और कल्चर पैराडाइम के अंदर जब हमने गुफ्तू की और हमने फोकस ये किया और आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि ये वन वे नहीं है हम कहते हैं ट्रेनर के असरा ट्रेनी पर है नहीं और बात भी है ट्रेनी के असरा भी ट्रेनर पर है हाँ ये बात कही जा सकती है इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि टीचर क्योंकि आइडियलाइज होता है ट्रेनर जो है वो आइडियलाइज होता है ट्रेनी जो है चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो या ट्रेनी हो वो अपने टीचर को आइडियालाइज करता है ये जरूर कहा जा सकता है और इसमें यह बात भी की जा सकती है कि ट्रेनर के असरात ट्रेनी पर ज्यादा होंगे लेकिन दूसरी तरफ ये मुमकिन नहीं है कि ट्रेनी के असरात ट्रेनर पर ना हो वो चाहे हम फूड के बारे में गुफ्तु कर लें देखें अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक डेवलप्ड कंट्री से जो डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है तो वो अपना फूड साथ लाएगा उसको फूड कहाँ का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो तो वहीं का फूड इस्तेमाल जो लोकल फूड है वो इस्तेमाल करेगा उससे उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे ड्रेसेस को देखेगा इंटीरियर डेकोरेशन को देखेगा एक्सटीरियर डेकोरेशन को देखेगा दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कल्चर के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं मुख्तलिफ साइड से उस जगह पे रहने के बाद लोगों के मिलने जुलने के बाद वहाँ पर खाने पीने के साथ वहाँ के देने के देखने के साथ उस पर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे खाने के साथ मुरतब होंगे उसके टेस्ट पर डिवेल्प हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल कि वो ऐसे मुल्क से आया है जहाँ पे ज्यादा स्पाइसी फूड इस्तेमाल मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको ट्रेनिंग एक ऐसे डवेल्प कंट्री से आया है जहाँ पे स्पाइसी फूड इस्तेमाल नहीं होता ट्रेनिंग वहां पे दे रहा है जहां स्पाइसी फूड इस्तेमाल होता है अब देखें कम से कम भी अगर स्पाइसी फूड दिया जाएगा स्पाइस इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसके टेस्ट डेवलप हो जाएगा और जिस वक्त वो वापस जाएगा तो उसके असरात उस पर मरतब हैं ये मैं फूड की मिसाल दे रहा हूं इसी अंदाज से उसने इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन देखी उसने लैंग्वेज के कुछ अलफाज जो उसने वहाँ पे सुने चाहे वो ग्रीटिंग के हवाले से थे या मुख्तलि मौक़ों पर जो मुख्तलिफ अफ इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ जो साइन लैंग्वेज थे उन साइन लैंग्वेज की नंबर एक उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई नंबर दो तो उसको अल्फाज का पता चल गया नंबर तीन उसको बीनिंग का पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम उसको दोबारा से मैं बात करना चाहूं कि ट्रेनर पर भी उतने ही असरा मुरतब हुए हैं कल्चर के जितने असरा ट्रेनी पर मुतबब हुए अब हम दूसरी तरफ आ जाए सवाल यह पैदा हो रहा था के उसके असरात नई नेशन में जा रहे हैं अब इसको एक और पैराडाइम में देखते हैं डेवलपिंग कंट्री के जो कल्चर इम्पैक्ट है या उसका जो इफेक्ट है वो अब डेवलप्ड कंट्री में जा रहा है अगर हम दोनों को साथ लेके चलें तो मल्टी कल्चर डायमेंशन जन्म दे रही है। अच्छा अब आ जाएं एस की तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आइडिया क्या है वो ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं अब जब ग्लोबल सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें एक मल्टी कल्चर डायमेंशन जो है इसी पे उसके अंदर इन आती है इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्चर चेंज है और कल्चर चेंज का एस्पेक्ट बोथ साइड पे है और ये जो मल्टी कल्चर एस्पेक्ट हमारे पास डेवलप हो रहा है इस मल्टी कल्चर एस्पेक्ट से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्युनिटी है फ्यूचर कम्युनिटी जो ग्लोबल पैरामीटर में देखी जा सकती है उसका उसका एक एस्पेक्ट ये भी मुकम्मल हो रहा है